अपर्याप्तं तदस्मादं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्रिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। यहाँ कुछ और बातें जो संकेतित है, बहुत ही सुंदर बातें हैं, ये विचारणीय है। अपर्याप्तम कह दिया भीष्माभिरक्षितम, और हम लोगों ने कल विचार किए थे कि भीष्म शब्द से कर्म लक्षित है, और कर्म कितने हैं? अपर्याप्तम मन अपरिमितम अनंतम, जिंदगी भर करते रहो तो भी मरते हो तो आपके पास लिस्ट बाकी रह जाता है, ये काम बाकी रह गया अभी नहीं कर पाए, अभी भी बाकी है, वो भी बाकी है, खत्म ही नहीं होता। लौकिक और पारलौकिक कितनी भी कर्म करते रहें, कर्म का भी अंत है ही नहीं। अपर्याप्तम तदमेतेषां, पर्याप्तम तो और फिर पर्याप्त क्या है, लेकिन सीमित क्या है? हम और आपके सबकी आयु सीमित है, प्राण सीमित है। भीमाभिरक्षितम, भीम से लिया था प्राण, वह प्राण सीमित है क्योंकि आयु सीमित। इसे एक अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम अल्पश्च काल भवश्च विघ्ना यत् सारभूतं तदुपासितव्यं यतेव हंस क्षीरा भूमिश्रम। अल्पश्च काल भवश्च विघ्ना, काल बहुत कम है, कब प्राण पंख यहां से उड़ जाए कोई भरोसा नहीं। कर्म अनंत है, एक दो कर्म नहीं है, श्रुत्युक्त स्मृत्युक्त कर्म कांड करते करते आदमी घिस जाता है तो समाप्त होता है नहीं, सवेरे से रात तक वही करते रहना पड़ जाता है टाइम टू टाइम। कहीं तो नैमित्त कर्म आ जाता है, कभी तो नित्य कर्म होता है, कहीं काम कर्म है, और काम ना भी करो नित्य और नैमित्त कर्मों का ही जाल की कमी नहीं है। आज का नक्षत्र कौन है देखो, पहले वो नक्षत्र दृष्टि करनी पड़ेगी, उस नक्षत्र का दृष्टि करो, उस तिथि का जो दोषवान तिथि है या अच्छा तिथि है उसके साथ उसका भी कर्म करो। मैंने कहा नैमित्त कर्म ही दुनिया भर के हैं, नित्य कर्म भी कम नहीं है, तो नित्य नैमित्त करते रहेंगे तो दिन भर उसमें बीत जाएगा और फिर भी अंत नहीं है। तो इसलिए विवेक को करना क्या चाहिए, यही चिंतन करना है कि कर्म तो अनंत है, आयु तो कम है, फिर मुझे क्या करना है, किम करोत। तो विचार करके निर्णय लेना पड़ता है, धर्म करना है अधर्म नहीं करना है। धर्म क्या है? मनुष्य में मनुष्यत्व, ये सबसे बड़ा धर्म है। और मनुष्य तो क्या चीज है? जिसके लिए इसका जन्म है उसकी पूर्ति करना। किसके लिए जन्म हुआ है? मोक्ष प्राप्त करने के लिए। और उसकी प्राप्ति कैसे होगी? जब हम साधु चतुष्टय संपन्न होंगे। अर्थात साधु चतुष्टय संपन्नता ही मुख्य धर्म है मनुष्य का, बाकी सब धर्म धर्म नहीं है। असली धर्म क्या है? हम साधन चतुष्टय संपन्न हो और वेदांत को प्राप्त करें, और तद द्वारा चिंतन मंडित ध्यान करता हुआ मोक्ष को, यही मनुष्य का मुख्य धर्म है। और इसे भिन्न कुछ भी करोगे वह सब भले श्रुति स्मृति आदि विहित भी हो वो भी अधर्म ही है। क्यों? वो सब बंधन के कारण, क्योंकि सब क्या है? जन्म मृत्यु चक्र कारण है, पुनरागमन का कारण बनेगा। जो स्वर्ग प्रदायक श्रौत कर्म भी क्यों ना करो, वो भी बंधन का कारण ही तो है। अतः वो भी वास्तविक मानव धर्म के दृष्टिकोण में अधर्म कोटि में ही आ जाता। विवेक को यह करना है हमें श्लोक के आधार पर, क्या हमें अपरिमित कर्म में ही निष्ठा रखें, या अपने अल्प आयुक्त को देखता हुआ मोक्ष के साधन की ओर हम मोक्ष धर्मों को हम अपनावें, यह विवेक के लिए श्लोक कथन किया है। और विवेक व्यक्ति का स्वभाव क्या है, धर्म है कि अधर्म है? स्वभाव तो धर्म है। अतएव जो बाह्य सांसारिक पदार्थों के आकर्षण के वजह से जब अधर्म के प्रवृत्त होते हैं, यह आगंतुक धर्म है, स्वाभाविक नहीं है। झूठ बोलना आगंतुक धर्म है, सत्य आपका स्वाभाविक धर्म है। हर चीज में अभी आप देख लीजिए, जितने भी शुभ चीजें हैं वो आपके स्वभाव में हैं, और बाकी चीजें मजबूरी में दबाव में या लालच में लोभ में आप कर बैठते हैं, वो आगंतुक है, अधर्म है। अतः धर्म स्वाभाविक है और अधर्म आगंतुक है। इसे इनका कहना है, आप अपनी क्षुद्र आयुता के कारण से मोक्ष धर्म को ही अपनावें और अधर्मों को त्याग दें।
तो उसी प्रश्न उठता है फिर इन धर्मों को में से क्या क्या धर्म है, कौन से कर्म है जो मोक्ष धर्म के अनुकूल है, उनको अपनाना पड़ेगा। वे कौन से हैं वो समझाने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तो भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु, सामान्य दृष्टिकोण से पहले श्लोक का अर्थ लीजिए, कथा दृष्टिकोण से। अयनेषु च सर्वेषु, अयन कहते हैं तत्स्थान विशेष, जैसे खेल में होता है ना, फुटबॉल होता है, फॉरवर्ड होता है, कोई बैकवर्ड होता है ना, कोई गोलकीपर होता है, अलग अलग होते हैं। और क्रिकेट में लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, नहीं स्लिप, क्या क्या बोलते हैं, अलग अलग पॉइंट्स पोजिशन होते हैं, खड़ा होने का स्थान विशेष मैदान में है या नहीं। उसी तरह से यहाँ पर युद्ध भूमि में क्या होता है, खड़े होने का अलग अलग स्थान विशेष होते हैं, कौन कहाँ खड़ा हो रहा है। वहाँ आगे धनुषधारी है तो उसके सामने धनुषधारी खड़ा होएगा, आगे गदाधारी है तो उसके सामने गदाधारी खड़ा होएगा लड़ने के लिए, वो हिसाब किताब है पूरा उनका, कौन किस स्थान पर खड़ा रहता है। और वो व्यवस्थित कर चुका है, यही सेनापति की विशेषता है। वो उधर भाग रहा है धनुर्धर, तो उसको इस धनुर्धर बोलना पड़ता, तुम भी पीछा करो उसका, उधर जाओ, खुद भी लड़ते रहेगा और ऊपर पूरा नियंत्रण रखते हुए संकेत भी करते रहेगा कौन किस तरफ जाए, क्या करे क्या ना करे। वो अयनेषु च सर्वेषु, जिन जिन स्थानों में जो जो व्यक्ति रहता है उन स्थानों में ही रह करके यथाभागम अवस्थिता, मने स्वस्थान अनतिक्रम्य अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तो, भीष्म को ही चारों तरफ से सर्व एव ही भवन्तः, आप सब के सब लोग उनकी ही रक्षा करते रहें। और सेनापति सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित है, इसलिए जानबूझ के हमेशा भीष्म के बगल में रहता था दुर्योधन, क्यों जानते ये इसके पास रहेंगे तो हम सुरक्षित है, चला गया। कभी भीष्म को छोड़ के तो नहीं गया वो, पूरे 10 दिन हमेशा आगे पीछे चलता था, ताकि जो है जहाँ खतरा हुआ तो पीछे हट जाता भीष्म, अपनी जान को बचाने के लिए भीष्म को आड़ बनाए रखता था। और कहता है सबको, आप सब भीष्म को रक्षा करते रहना, ताकि उनकी रक्षा करने के द्वारा मेरा भी रक्षा हो जाए, एक शुद्र बुद्धिता दर्शाता है। अब तक द्रोण को कहता रहा, द्रोण की प्रशंसा निंदा दोनों तरफ को भड़काने की कोशिश करता रहा, अब यहां करके नहीं बोल रहा है द्रोणमेवाभिरक्षन् दो, अब महान आचार्य हमारे गुरु हैं आपकी रक्षा करें, सभी लोग मिल करके, ऐसे नहीं कहता। इसे स्पष्ट है कि अभी तक जो बोल रहा था स्तुति वो भी झूठा ही था, वो स्तुति भी स्वार्थ के लिए था और निंदा भी स्वार्थ के लिए था, महास्वार्थी दुर्योधन ने, भवंत सर्वयवी भीष्म। इसे ज्यादा और बखान करने का अवसर भी नहीं दे, भीष्म जी देख रहे हैं, सब सुन भी रहे हैं, कह रहे कि बस बस बहुत हो गया, वो तुरंत शंख फूंकना शुरू कर देंगे, हाँ फालतू बोले जा रहा है। अब उनके उन्हें पता है आचार्य द्रोण क्या है, निष्पक्ष है, उनको इतना बोलने की कोई जरूरत, इतना बोल के उनको जो है उद्वेग पैदा करने की कोशिश कर रहा है, स्तुति करके जो है उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, व्यर्थ है। भीष्मिरक्षण तो अब आइए देखिए अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, साधना के दृष्टिकोण से, भीष्म ने कर्ममेव अभिरक्षन्तु, भवन्तः सर्वे साधकाः सदा कर्ममेव अभिरक्षन्तु, सदा कर्म की रक्षा करें, अर्थात कर्म पर पूरा ध्यान दे, मेरे शरीर काया वाचा मनसा जो कर्म हो रहा है उन कर्म पर पूरा ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है, अयनेषु च सर्वेषु, अयन करने से यहां इंद्रियों का स्थान, इंद्रियों का गोलक, सभी इंद्रियों के अपने अपने गोलकों में रहकर भी इंद्रियां यथा भागम अवस्थिता संतः, अपने अपने गोलकों में स्थित होकर के वे इंद्रियां सम्यक प्रकार के धर्मानुकूल कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, इस पर आपको ध्यान देना है। क्योंकि इंद्रियां तो धोखा देंगे ना, हमें अधर्म कर ले जाएंगे। आंख देखता है किसी वस्तु को, परद्रव्य को देखा लोभ को पैदा कर देता है, तो नियंत्रण करना पड़ेगा इंद्र को, ऐसी चीज देखो ही मत,
ये तुम्हारा नहीं है, तुरंत विवेक डालो उसके अंदर, लालच मत करो। माग्रद कसुद्धनम ईशावासी बोले, तुरंत विवेक को लाना पड़ेगा और इंद्रियों को नियंत्रण में लाना पड़ेगा, नहीं तो गोलकों में रहने वाले इंद्रिय कभी भी हमें धोखा दे सकते हैं। नवद्वारे पूरे देही ना, भगवान ने कहा इसलिए नौ द्वारों के द्वारे हम बाहर जाते हैं और यही धोखा देते हैं। इसे कहते यथा भाव अवस्थिता सर्वेशु अयनेशु इंद्रियेशु, जो जो जिन जिन गोलकों में जहां जैसे हैं वे तंत्र तत्व स्थानों में ही रह करके सम्यक कर्म करते रहे, ऐसे आप उस पर ध्यान देना है। क्योंकि यहां श्लोक का पीछे कुछ अवतरण निकल दिया कि द्रोणाचार्य कह रहे हैं तथा वस्तु किम इधानी कर्तव्य, ऐसा अवतरण निकल दिया। ठीक है जो तुमने बता दिया सब समझ में आ गई, लेकिन ये बताओ मुझे करना क्या है, तुम क्या चाहते हो मेरे से, ये बोलो साथ सीधे सीधे। इन कर्तव्य हम ऐसे कुछ अवतरण निकाल दिया, तथा वस्तु किम इधानीम कर्तव्य आयनेशु सर्वेशु, ये अवतरण निकाल। कर्तव्य क्या है, यही है इंद्रियों का निग्रह करना है, इंद्रियों का सम्यक निग्रह करना है, उसको मन माने दौड़ने से रोकना है, उसकी अभिरक्षा अभित रक्षा इति अभिरक्षा, चारों तरफ जाता हूं इंद्रियों को रक्षा करना है, अर्थात उनका सम्यक नियंत्रण करना है, निग्रह करना है, जो जहां है वहीं रहकर अपने कर्मों को सम्यक करे, अपने अनुकूल करे, ऐसा ध्यान देना है। तो निष्काम कर्म की ओर ही उनको प्रवृत्त करा देना है। यथा भागम वस्तुता यथा विभक्तम विशेषु विभक्तम, क्योंकि इंद्रियां अपने अपने विषय में विभक्त प्रवृत्त होते ही है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन फलाकांक्षा रहित होकर प्रवृत्त हो गए, ये हमें प्रयास करना है। इंद्रियों इंद्रियाणि इंद्रियेषु वर्तन्ते, गीता में भी कह दिया, भगवान आगे कहेंगे इंद्रियां तो अपने विषय की ओर जाएंगे ही, लेकिन कैसे जाएं वो आपकी मर्जी पर होना चाहिए, उनके अपने मर्जी से ना जाएं, वासनाओं के अधीन होकर के न जाए, बल्कि अविवेक अधीन होकर के फलाकांक्षा रहित होकर की इंद्रियां विषयों की ओर प्रवृत्त होनी चाहिए, फलाकांक्षा रहित पूर्व होकर प्रवृत्त होवे, ऐसे करना अपना कर्तव्य है। अर्थात इंद्रिया फलाकांक्षा मा कुर्वन्तु इति अभिरक्षन्तु, अर्थात इंद्रियों की प्रवृत्ति अंतकरण शुद्धि के अनुकूल होनी चाहिए। कोई भी इंद्रिय की प्रवृत्ति हो, वह इंद्रियों की प्रवृत्ति अंतकरण शुद्धि के अनुकूल होना चाहिए। क्यों? आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, और आहार क्या है, केवल रोटी खाना पानी नहीं है, इंद्रिय हर इंद्रिय का अपना आहार है, चक्षु का अपना आहार है, श्रोत्र का भी, आह्यन्ते स्वविषयानिति आहार, आह्यन्ते इति आहार क्या होगा, वो विषय शब्दादय शब्द रूप स्पर्शाह, ये आहार है, उसकी शुद्धिकरण होनी चाहिए। क्या देखना क्या नहीं देखना, क्या सुनना क्या नहीं सुनना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, क्या खाना क्या नहीं खाना, ये विभाग पूर्वक समझ रहे, यथा भागम अवस्थिता, यथा विभागम अवस्थिता, भागम माने विभाग, यथा विभाग धर्म अधर्म उचित अनुचित कर्तव्य कर्तव्य सारी चीज समझते हुए करना है, तब अंतरण शुद्धि होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। तो ठीक है, लेकिन कौन से कर्म करना चाहिए, फिर थोड़ा संकेत तो करो कर्मों के बारे में भी, किन कर्मों को करना चाहिए। तब दो मुख्य बातें हैं जो यहां दो श्लोक हम बाहर से ला रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है साधक के लिए, अति आवश्यक एक चीज ध्यान देना है अंतगण शुद्धि के लिए। अपमानं पुरस्कृत्य मानंज पृष्ठतः स्वकार्यं साधे धीमान कार्य भ्रंशो ही मूर्खता, मुख्य चीज हर आदमी के अंदर है क्या, सम्मान चाहता, महाराज का दे खुश हो जाता है, महाराज का दे महाराज, महाराज नहीं कहेंगे, नाम पुकारेंगे, ये क्या आदमी हमको नाम से बुला, अपमान सहन कर लेना बहुत कठिन काम, सम्मान सब चाहते हैं, चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक सब सम्मान के भूखे हैं, सबके अंदर अहंकार ठोस बना हुआ, इसे आप रोकिए चींटी को, वो कहते तू कौन होता रोकने वाला,
वो चढ़ के चला जाएगा, है या नहीं? वो भी अपमान नहीं सहन करता आपको रोकने का काम, अपमान समझता है मुझे रोक रहा है। तो सभी में चीज है, साधक का पहला काम क्या है, चीज है अपमानंच पुरस्कृत्य मानंच पृष्ठतः, अपमान को सामने स्वीकार करो और सम्मान को सदा पीछे फेंक दो, ध्यान ही मत दो, कोई सम्मान कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कुछ कह रहा है, प्रशंसा। और कई लोग तो प्रशंसा सुनने के लिए उत्सव का आयोजन करते हैं कि उत्सव आयोजन होगा तो लोग आएंगे और हमारी प्रशंसा करेंगे, हम महाराज जी ऐसी की वो की वो की, कई तो उत्सव प्रिय आचार्य हो गए, हाँ लगातार उत्सव 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 मना रहे हैं, एक के बाद एक उत्सव बुकिंग कर देते पर ऐसे ही केवल स्व प्रशंसा श्रवण करने, स्व सम्मान की प्राप्ति के लिए। ये साधक का लक्षण नहीं, ये पतन का लक्षण है। इसे कहते हैं यहाँ अपमानंच पुरस्कृत्य मानंच पृष्ठतः, स्व कार्यम साधे धीमा, ऐसे करते हुए अपना कार्य क्या मोक्ष प्राप्ति अंतकरण शुद्धि उसको बुद्धिमान को सिद्ध करनी चाहिए। कार्य भ्रंशो ही मूर्खता, और अपने कार्य अपना लक्ष्य होता मोक्ष अंतकरण से जो हटना है, इससे बढ़कर कोई मूर्खता नहीं है। कहते महाराज कैसे होएगा, कहते किसी की निंदा नहीं करना, अपनी निंदा जरूर सुनना, ये सबसे बड़ा काम। किसी की निंदा करना नहीं और अपनी निंदा जरूर सुनना, और किस में दोष देखना जरूर, उसे कथन नहीं करना, दोष जरूर देखो लेकिन क्यों देखना है ये सबसे बड़ी चीज है। कर्म में सबसे बड़ा चीज क्या चीज होता है, दृष्टि। बार बार आगे आएगा भाष्य में ही, कर्म हमें बंधन का कारण नहीं होता है, कर्म में जो हमारी दृष्टि है वो बंधन का, एक कामना युक्त दृष्टि है तो बंधन होगा, कामना रही दृष्टि है तो बंधन नहीं। यहां तक जो शास्त्र अर्थ में कहेंगे भाष्यकार, कर्म सकाम कर्म संकल्प किया आपने सकामना पूर्वक, कर्म शुरू कर दिए, कई दिन होने वाला है कर्म, बड़ाई की कर रहे हैं आप, कामना पूरा कर रहे हैं, लेकिन बीच में विवेक जग गया किसी कारण से। कई लोग बड़े यज्ञ कराते हैं तो प्रतिदिन लोगों को बुलाते प्रवचन के लिए शाम का समय, और प्रवचन में किसी का प्रवचन लग गया दिमाग में ठोस और बदल गया दिमाग। कहते भाष्यकार उस समय में भी यदि वह मन से संकल्प में गतित कामना को त्याग देता है वह कर्म फल नहीं देता है, अंतर्गुण शुद्धि कही तो बनेगा। यदि संकल्प क्या था, सकाम था, और बीच अपने उस कामना को त्याग देने मात्र से भी वह कर्म फल नहीं देता। इसका मतलब क्या, कर्म में हमारी दृष्टि जैसे जुड़ी थी उसके आधार पर सब कुछ निर्भर है, पर कामना से जुड़ी थी और बीच में आपने उसमें निष्कामना से जोड़ दिया तो सारा काम बदल। इसलिए इनका कहना यहां पर देखिए, यदि छसी वशी कर तुम जगत दे के न कर्मणा, यदि छसी वशी कर तुम जगत एके न कर्मणा परापवाद सस्येशो गाम चरंती निवारय, परापवाद सस्येशो गाम चरंती निवारय। यदि आप इस सारे जगत को एक कर्म के द्वारा अपने वश में लेना चाहते हैं तो एक ही काम करना है, क्या, परापवाद रूपी सस्यों में चरता हुआ गाय इंद्रियों को रोक दो, परापवाद सस्येषु गाम चरंतीम निवार्य, चरता हुआ इस गाय को रोक दो, गाय कौन है यहां, इंद्रियां अंतकरण सहित, परापवाद न करो, दोष जरूर देखो लेकिन उसे कथन मत करो। दोष देखने का पीछे भी अपनी महिमा को मंडित करने के लिए नहीं, अपनी श्रेष्ठता को देखो उसके अंदर ऐसा कमियां है, मैं ऐसा गुण संपन्न हूं, इसके लिए नहीं, अपनी महिमा को मंडित करने या अपनी प्रशंसा या अपनी श्रेष्ठता ज्येष्ठता आदि की सिद्धि के लिए दूसरों में दोष में नहीं देखना है, देखना जरूर है कथन नहीं करना है, और अपनी जो श्रेष्ठता का स्थापना करने के लिए उनका उपयोग नहीं करना है। फिर देखना है क्यों है, कहते एक ही कारण है ताकि वह दोष
आप में ना आ जाए, और यदि है तो उसको निकालना है इस चिंतन के लिए। वो महात्मा किस कारण से पतन हुआ वो जरूर देखना है, देख कर समझ रहो ऐसे गड़बड़ी से आदमी का पतन होता है। फिर अपने चिंतन करो मेरे अंदर गड़बड़ी तो नहीं है, अन्यत्र विद्यमान दोष को स्व में अस्तिवा नास्तिवा चिंतन करना है। अस्ति चेत निवार है, उसको निकाल फेंक दो, नास्तिचेत नास्तिचेत अभिरक्षण दो, अपने आप की रक्षा करो वो दोष अंदर ना आ जावे। एक दूसरा वैराग्यार्थन से दोष दर्शन से उसमें विद्यमान आसक्ति जो मोह है वो भंग हो जाता है। विशेष रूप से ना जिसमें आपकी आसक्ति हो उसमें जरूर दोष दर्शन करनी चाहिए ताकि वैराग्य हो जाए। ये दोष दर्शन नहीं कर पाओगे उससे वैराग्य नहीं होगा, उसमें आसक्ति और बढ़ेगा, मोह पास में फंस। ऐसे संसार के हर वस्तु में दोष जरूर देखना है हमने ताकि संसार के सारे वस्तुओं से वैराग्य प्राप्ति करें। जो भी स्व संबंधित विषय है उन विषयों में दोष जरूर दर्शन करना है लक्ष्य, लेकिन दोष दर्शन का दो होना चाहिए, स्वस्म अस्ति नास्ति विवेकार्थम और दूसरा वैराग्यार्थम, उस विषय से वैराग्य प्राप्ति करने के इस लक्ष्य से दोष दर्शन करना है। उस दोष दृष्ट दोष कथन कभी नहीं करना, क्योंकि उस पर आप वाद कथन करने से विवाद बढ़ता है, राग द्वेष बढ़ता है, स्वहंकार भी बढ़ जाता है। इसलिए नियंत्रण करने के लिए ने कह दिया गाम चरंतीम निवार, ये कर्म हमारा मुख्य कर्म है, एक साधक के लिए कर्म करना चाहिए ये याद दिखाना चाह रहे। अपनी रक्षा करो, अपने कर्म की रक्षा करो, विश्ववाच कर्म, कर्म की अभिरक्षा। सर्व भवंता अभिता मैंने सर्वता सर्व एव ही अयन सर्वेश था विभाग से था संत इंद्रियो, इन इंद्रियों के द्वारा होने वाले सकल प्रकार के कर्म स्व विषय संबंधों को सम्यक प्रकार से निग्रह पूर्वक नियंत्रण पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। ये यहाँ पर साधन दृष्टिया विचार होगा। तब कहते हैं ठीक, तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनाधं विनद्योच्छै शंखं दद्मौ प्रतापवान। तस्य कथा दृष्टिया दुर्योधनस्य हर्षं संजनयन, उस दुर्योधन के अंदर भय है ये दिख रहा है भीष्म पितामह को, इसलिए इतना बातें कर रहा है। उसे दूर करने के लिए हर्ष को उत्पन्न करता हुआ हर्षं सम्यक जनयन उत्पादयन कुरुवृद्ध कुरुवंशिका वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध सर्व प्रकारेण वृद्ध, क्योंकि वयोवृद्ध तो सभी हो ही जाते हैं एक न एक दिन, इसमें कोई संशय तो है नहीं है? पशु भी वयोवृद्ध हो जाते हैं, वयोवृद्ध कौन नहीं होता, वयोवृद्ध से श्रेष्ठ कौन है, ज्ञानवृद्ध सर्वश्रेष्ठ है। चार प्रकार के वृद्ध होते हैं, चार वृद्धों की गिनती है योग वासिष्ठ में। वयोवृद्ध से श्रेष्ठ धन वृद्ध है, जो धन से वृद्ध है वो जवान भी हो ना सब आज बड़े बूढ़े भी उसी से हम ना जुड़ते रहेंगे साहब आइए साहब क्यों धनी है वही धन के कारण से यश यशो वृद्ध भी कहते हैं उसको। उससे भी श्रेष्ठ कौन होता है, विद्यावृद्ध, इसे देखो फटीचर महात्मा है करोड़पति सेठ भी हाथ जोड़ के सामने खड़ा रहेगा, ज्ञान है ना विद्या है, विद्या से ब्रह्म ज्ञान नहीं लेना, साधारण विद्याओं की पंडित जी जो साधारण रहेंगे या ज्योतिषी हैं सेठ लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं पंडित जी महाराज पंडित, उनका धन कुछ नहीं, उसकी विद्या है ना ज्योतिष विद्या वो महान है, उस विद्या के सामने धन को मस्तक होना नतमस्तक होना, उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान वृद्ध ब्रह्म ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ है ज्ञान। अतएव वयोवृद्ध यहाँ कैसे हैं, कुरुवृद्ध कहने से इनमें चारों चीजें हैं भीष्म पितामह, वयोवृद्ध भी है ही आगे कह रहे पितामह, इसे स्पष्ट हो गया वयोवृद्धता, इसे यहाँ वृद्ध शब्द क्या जोड़ते पितामह बोलने का मतलब भी दादा जी दादी जी मैंने बुढ़े वयोवृद्धता स्पष्ट है उससे, इसे यहाँ वृद्ध शब्द से वयोवृद्धता नहीं लेना है हमें, किंतु उनका यशोवृद्ध था धनवृद्ध थे वो ज्ञानवृद्ध थे सकल विद्याओं में पारंगत थे।
अन्य तीनों प्रकार की वृद्धता को लेना है यहां कि वह वृद्धता पितामह सबसे बाकी तीन प्रकार वृद्धता को यहां से लेना। और कैसे हैं वो? प्रतापवान है वो, प्रकृष्ट रूपेण सबको तपाने के सामर्थ्य वाले हैं। ऐसे कुरु वृद्ध पितामह तस्य दुर्योधन से हर्षम संजन किं कृतवान सिंहनाधम विनद्य उच्च शंखम प्रदत्म सिंहनाद विनद्य जोर से बोला है। फिर शंख फोंकना शुरू कर, जैसे डर रहा है तो क्या कर, हट क्यों डर रहा है, ये बोलते कि नहीं बोलते बच्चे को, वैसे दुर्योधन को बोल रहा सिंहनाधम विनद्य शंखम धद्म उच्च जोर से शंख को बजा दिए उसका भय को दूर करने के लिए। ये तो अर्थ हो गया। और अब तस्य साधकस्य जो साधक है उसके लिए हर्षम संजनयन, उस साधक के अंदर हर्ष को उत्पादन करते हुए कि किंग कर्तव्य मूढ़ हो रहा था ना, उसको समझा दे तुम्हें कर्म का ही रक्षा करना है, कर्म पर पूरा ध्यान देना है। कर्म का ध्यान देना मतलब इंद्रियों का निग्रह करते हुए चलना है। तब प्रश्न उठता है इंद्र निग्रह मैं कैसे करूं? तब उस शंका आस्पद साधक के अंदर हर्ष को उत्पादन करते हुए कुरु वृद्ध श्रेष्ठ कर्म, कुरु मने कर्म, वृद्ध मने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कर्म का विधान किया जा रहा है। पितामह श्रेष्ठ कर्म ऐसे क्या क्या हो सकता है? ये श्लोक याद रखना है, संजय बोल रहा है, ये जो श्लोक दुर्योधन नहीं बोल रहा है, ये संजय कह रहा है। तस संजन हर्षम इत्यादि से संजय बोल रहा है, संजय वाच्य पर बोला नहीं गया लेकिन समझना है ये संजय कह रहा है। वहां तक उसने बोल दिया, उस बोला हुआ बात को सुनने के बाद उसके डर को दूर करता हुआ भीष्म ने कहा है, जो किया भीष्म ने जो किया वो बात संजय कहता है। संजय हुआ कर्तव्य निश्चय के अनंतर, निश्चय हुए कर्तव्य हमारा क्या है, इंद्रिय निग्रह पूर्वक अंतंग शुद्धि अनुकूल कर्म का ही आचरण करना चाहिए, ये पुरुष लोक से जो निर्णय हुआ है उसकी अनंतर वह कार्य करना शुरू करना है अभी हमें। तो इंद्रिय निग्रह करना मुख्य है, अंतंग शुद्धि का द्वार क्या है, इंद्रिय निग्रह। वह कैसे होगा? वह कार्य आरंभ करना है उसके लिए यहां प्राणायाम का विधान करना, कुरुवृद्धा श्रेष्ठ कर्म करना। श्रेष्ठ कर्म क्या है? जप तप दान ध्यान, ये चार श्रेष्ठ कर्म है साधक के लिए, जप तप दान और ध्यान, ये चार श्रेष्ठ कर्मों को यहां दिखा रहा है। पितामह जगत का कारण है, पितामह मैंने वंश का, जैसे पितामह कारण होता है वैसे यहां जगत का कारण यही चार कर्म है। जीव का जो कर्म है जब तक ध्यान जो करता है यही सारे जगत की स्थिति का कारण बना है। कर्म के वजह से सृष्टि होती है, जीव का कर्म ना हो तो सृष्टि किस लिए है? कर्माधीन सृष्टि है, इसलिए हमें ऐसे कर्म करना है जिसे जगत का नाश ना हो। इसीलिए हमें कैसे कर्म करना है? वृद्ध कर्म करना, मैंने श्रेष्ठ कर्म करना है जो कि जगत की स्थिति का कारण बन सके। इसे पितामह शब्द से जगत कारणत्व का द्योतन कर रहा है, अर्थात जगत कारण अर्थात जगत की स्थिति के अनुकूल श्रेष्ठ कर्म रूपा जब तब दान ध्यान को करनी चाहिए। और सिंहनाधम विरध्योच्च शंकम दद्मो प्रतापवान, अंतगण शुद्धि के लिए इस श्रेष्ठ कर्म के साथ में इंद्रिय निग्रह के लिए उपयोगी प्राणायाम को कथन करते हैं। प्राणायाम जब कैसे करते हैं, यहां विशेष रूप से भस्त्रिका प्राणायाम बोल रहे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम ऐसा होता है कि जब आप करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम को, एक तो आवास होता है जबरदस्त आवास श्वास का, उस आवास के करें सिंहनादम विनद्य उच्च शंखम दद्भव। शंख क्या है यहां पर? आवर्ताकार आपका पेट, इसको ध्वान किया जाता है फूंक जैसे, है ना भस्त्रिका, इसको बोलते हैं जो सोनार लोहार के पास नहीं होता है भुश भुश करता है हवा मारने वाला, उसका नाम भस्त्रिका, उसके नाम से प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। पेट है ये भस्त्रिका जैसा है,
इसके यहाँ कहते हैं शंख, शंखाकार में विद्यमान है शंख जैसे, इसको फूंकना, फूंकने का मतलब क्या, धोंकनी जैसे, धोंकनी बोलते हैं उसको, धोंकनी हिंदी में, वैसे यहाँ पर भी पेट क्या होता है आगे पीछे आगे पीछे हो गया, धोंकनी जैसे शंख का उद्मान करना है। अर्थात क्योंकि योग सूत्रकार ने मन को नियंत्रण करने के पीछे दो का जो यहां पर भी है, चंचल में मना कृष्ण जब बोलने गया भगवान ने क्या कहा, अभ्यास ये तो कौन थे वैराग्य ने जगृहिय दे, योग सूत्रकार क्या कहते हैं वहां, अभ्यास वैराग्य अभ्यांत निरोध, ठीक है स्मृति सूत्र मिल रहा है। लेकिन यहां इतना अगर आगे इन्होंने प्राणायाम वगैरह लिया है गीता में भी छठे अध्याय में, तो उन्होंने क्या किया, विकल्प करते करते अनेक विकल्प देते देते हुए प्राणायामाद्वा कह दिया, अभिमत ध्यानाद्वा अंतिम अनेक विकल्प में योग सूत्र में। तो प्राणायाम से भी मन का नियंत्रण होता है, मैंने सकल इंद्रियों का निग्रह का आसान साधन, मन जब ज्यादा चंचल हो तो भस्त्रिका कर दो मन मूर्छित हो जाएगा, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, ये तीन प्राणायाम है या मन को एकदम स्तब्ध कर देता है, एकदम ऐसा हो जाए जैसे करंट देने पर होता है ना, करंट लग जाए तो झुमकर हो जाता है, अब मन कुछ काम कुछ सोचता बोचता नहीं, फिर बंद सोचना उसका, ठंडा चुपचाप पड़ा रहेगा कई घंटों तक, वैसे इसमें भी होता है, ढंग से वस्त्र प्राणायाम किया जाए मन एकदम झंझनाहट में एकदम शांत, सारी चंचलता खत्म, पांच 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 बीस, पांच बार धीमी गति, फिर थोड़ी गति बढ़ाओ फिर पांच, फिर और गति बढ़ाओ पांच, फिर पूरी तेजी से पांच बार ले, जिसे बीस बार ले करके श्वास छोड़ना और अंत में एक बार जबरदस्त खींच लेना श्वास अंदर और बंद कर दो, मन खत्म हो जाए वस्त्र प्राणायाम। कपाल बात में भी आप लेंगे लंबी श्वास और छोटी धर 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 छोड़ेंगे ना कपाल भाती में, जब मन के आहत हो जाता है उससे तो मन शांत हो जाता है। इस इन प्राणायामों के द्वारा जिसमें या तो पेट का संचालन होकर के तीव्र चल रहा है श्वास, तीव्र श्वास चलने के कारण से आवाज आ जाता है, उसको सिंहनाद इन्होंने कह दिया, सिंहनादम विनोद्य उच्चई शंखम दद्मौ, इससे संकेत कर दिया उन्होंने प्राणायाम का, भस्त्रिका का प्राणायाम का। प्रतापवान फल प्रदान समर्थम इत्यर्थ, प्रतापवान कौन होता है जो फल प्रदान करने में समर्थ है। इधर से प्राणायाम भी निश्चित रूप में इंद्र निग्रह रूप फल प्रदान करने में समर्थ है, इसलिए उत्तरोत्तर देगा साधन को और सरल करते आ रहे हैं। यहां पर भी पहले सर्वश्रेष्ठ साधनों को बता दिया, फिर उसके विरोधियों को बता दिया, तो उसके बाद विचार हुआ कर्म श्रेष्ठता, कर्म भी कौन से श्रेष्ठ कर्मों को करनी है, ये भी एक कर्म है, प्राणायाम भी एक क्रिया है, क्रिया ही कर्म है, ये भी एक कर्म है, तो इन कर्मों के बारे में वर्णन करते आ रहे हैं कि कौन से साधन आपके लिए उपयोगी होता है अंतर्गण शुद्धि के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, तो फल क्या होता है वो बता रहे। उसके बाद सबसे पहले जब आप साधना करोगे अंदर में पहले भयंकर आवाज होगी, जब अनाहत चक्र जगने लगता है, जागरूक हो जाता, संचलित हो जाता है, तो विभिन्न प्रकार के नाद सुनाई देंगे, शुरू शुरू भयंकर नाद आएंगे, उसके बाद बहुत सुंदर नाद सुनाई देगा, जिसमें आज में आओ अनाहत नाद मस्त बैठ जाएगा, समाहित हो जाता है। वो दोनों प्रकार के नादों को यहाँ संकेत करते, पहला उस दुष्ट नादों को, फिर सत नादों को। दुष्टनाद अधर्म पक्ष वालों के द्वारा हुआ, शब्दस्तुमुलो अभवत् श्लोकादि से, तथा शंखाश्च भेरियश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो अभवत्। ये अधर्म घोष है, ये अधर्म का घोष है, उसके बाद स्वधर्म का घोष, पांडव ये जो भगवान कृष्ण का माधव पांडवश्चैव, इसलिए भगवान का नाम पहले लेगा, वहां शंख कौन पहले फूंका परपक्ष में, भगवान कृष्ण ने, और हमेशा पहले अधर्म का घोष होता है, अधर्म का विजय भी होता है कुछ हद तक, अंतर अंतर ही धर्म का घोष और धर्म का विजय होता है।
यह भी इसे क्रम दिखा रहे हैं। पहले अधर्म वाले ने घोष क्या किया, वो बोले तथा शंकाश्च भेरियश्च पणवानक गोमुखाः। तथा उसके पश्चात में कथा दृष्टि है भीष्म के पश्चात अन्य लोगों ने भी, नाम किसी का नहीं ले रहे हैं, अन्य लोगों ने भी अपने अपने जिसके पास जो शंख आदि थे, किसने शंख को बजाया, किसने भेरी को बजाया, किसने पणव को, किसने आनक को, किसने गोमुख को बजाया। पणव मने ढोल, आनक मने मृदंग और गोमुख मने रणसिंगा, ऐसे बिल्कुल बाजे हैं। रणसिंगा को देखा होगा अखाड़ों में, करा होगा देखा है कुंभ मेला में बजाते जो नागे लोग, उसको रणसिंगा कहते हैं। भंडारा शुरू करने के लिए भंडार की समाप्ति दोनों में हो उसको बजा देते हैं। तो ढोल मृदंग रणसिंगा पणव आनक गोमुखा सहस ही वह एक साथ अभ्यन्त, कोई क्रम कुछ नहीं, एक साथ शुरू हो गया। जहां भीष्म ने शुरू करा सब ने शुरू कर दिया। करा किसने शुरू? भीष्म ने। तो हमेशा कर्म से शुरू होता है साधना। कोई भी साधना हो, अधर्म साधना हो चाहे धर्म साधना हो, तो शुरू होगा कर्म से ही, तदनंतर भक्ति, अंत में ज्ञान होता है। इस संकेत कर देने कहा दिया, पहला भीष्म ने फूका का मतलब क्या, आरंभ हुआ कर्म से। तथा शंखाश्च भेरियश्च सहसैव अभ्यहन्यन्त इत्यादि कल देखे,